तो उस्मान साहब, सवाल मेरा ये था कि ये जो आपका राशन जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये टोटल कितनी फैमिलीज में जाएगा? ये देखें जी, ये जो राशन केयर टेकर्स एनजीओ तकसीम कर रही है, ये तकरीबन 600 प्लस फैमिलीज में जाएगा और मज़ीद बढ़ता ही जाता है अल्लाह के करम से। इसमें मेम्बर्स आते जाते हैं तो बढ़ता भी जाता है। तो अभी ये एक ट्रक आया है, इंशाल्लाह कल एक और ट्रक भी आएगा और साथ साथ इसका जो डिलीवरी प्रोसेस है वो कल से इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, हर साल की तरह इस साल भी केयर टेकर झेलम की तरफ से मुस्तक अफराद में राशन तकसीम किया जाएगा। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी रात का तकरीबन 11 बजे का टाइम है और राशन के हमारे पैकेजेस आ गए हैं और ये अनलोडिंग इनकी चल रही है। इंशाल्लाह कल से ये जितनी फैमिलीज हमारे मेम्बरान हमें नोट कराते हैं उनके घरों में उनको राशन डिलीवर कर दिया जाएगा। कल से इसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा, एक दो दिन इसमें लगेंगे और तमाम राशन तमाम फैमिलीज़ के घरों में पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं तमाम मेम्बरान का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया, स्पेशली रोहेब साहब का भी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पैकेजेस हैं इसमें रोहेब साहब की तरफ से हैं मैक्सिमम पैकेजेस। और उसके बाद ये तमाम लोगों को शुरू कर दिया जाएगा और जितना शुक्र अदा किया जाए मेम्बरान का तमाम का वो कम है, क्योंकि हर दफ़ा इन्हीं मेम्बरान की वजह से ही हमारे हर प्रोजेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बाद इन मेम्बरान की वजह से हमारे हर प्रोजेक्ट कामयाब होते हैं और आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही चलते रहेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इसका शेयर का मकसद ये नहीं होता कि हम कोई शो ऑफ नहीं करते, इसका मकसद सिर्फ अवेयरनेस होती है। अवेयरनेस इस बात की कि हम लोग किसी से चंदा नहीं लेते, हम लोग कोई फंड प्रोग्राम हमारा नहीं चलता, ना गवर्नमेंट से ना किसी कोई फंडिंग ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि इसके बरक्स ऐसा होता है कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके अंदर हमारे तमाम मेम्बरान अपनी जो पॉकेट मनी होती है वो उसको जमा करते हैं और उसे हम लोग प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं, प्रोजेक्ट उसे हम करते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको शेयर किया करें, वीडियो को शेयर करने से अवेयरनेस इस हिसाब से बढ़ती है कि आपकी सोच है, हमें नए नए मेम्बरान मिलते हैं जो कि इस किस्म का जज्बा रखते हैं और हमें ज्वाइन करते हैं। वो इसमें जो लोग फाइनेंशियल मदद नहीं भी कर सकते वो आकर प्रोजेक्ट पे फिज़िकली हेल्प करते हैं, लोगों के घरों तक डिलीवरी करने की हेल्प करते हैं, इस तरह की डिफरेंट हेल्प होती है। तो अवेयरनेस इस तरह की मिलती है कि लोग ज्वाइन करते हैं और लोगों को इस चीज़ का पता चलता है कि अपनी जेब की जो पॉकेट मनी आपकी वो जमा कर करके भी आप लोग काफ़ी प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई किसी की मदद करनी है तो आपको कोई लाखों करोड़ों फंड चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं होती। आप शुरू करें, इंशाल्लाह ये अल्लाह के काम है, इसमें अल्लाह आपकी मदद करेगा। बहुत शुक्रिया जी।